आपने तीन रंगों के सशस्त्र सेना झंडा दिवस वाले पोस्टर जरूर देखे होंगे, लेकिन आखिर ये क्या होते हैं? सेना के घायल हुए सैनिकों, मारे गए सैनिकों की विधवाओं, बच्चों और आश्रितों की मदद करने के लिए और देश के नागरिकों और सेना के बीच हारमोनी को बढ़ाने के लिए 1949 में बनी समिति की रिकमेंडेशन पर 7 दिसंबर को झंडा दिवस की शुरुआत की गई थी। इसके पीछे विचार ये था कि झंडों के स्टिकर्स को लोगों के बीच बेचकर एक आर्म्ड फोर्स फ्लैग फंड बनाया जाए, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए काम किए जाएं। स्टिकर को बेचकर फंड इकट्ठा करने का काम केंद्रीय सैनिक बोर्ड करता है, जबकि इस फंड को कैसे यूज किया जाता है इसका डिसीजन देश के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति करती है। स्टिकर में बने तीन रंग देश की तीनों सेनाओं को दिखाते हैं। अगली बार आप भी स्टिकर को खरीदकर देश के सैनिकों को सपोर्ट करना ना भूलिएगा।